खरगोन जिले के किसान मजदूर संघ ने कपास मंडी का घेराव कर लिया है। बताया जा रहा है कि मंडी प्रबंधन और सीसीआई की मिलीभगत किसानों को लूटने में लगी है, जिसके विरोध में किसानों ने मंडी का घेराव किया। आपको बता दें कि शासन सीसीआई के माध्यम से कपास खरीदी करके किसानों का उत्थान करने का ढिंढोरा पीट रही है, लेकिन जमीनी स्तर पर किसान काफी परेशान है, जिसके विरोध में भारतीय मजदूर संघ ने कपास मंडी का घेराव करके अपनी मांगों से अवगत कराया। इस दौरान जमकर हंगामा भी हुआ। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। ये सीसीआई का जो अधिकारी है, यहाँ का मंडी सेक्रेटरी है और यहाँ के सारे व्यापारी है, सभी की मिली भगत है और सबको किसान के लूट में है। जिस दिन खंडी की का भाव 25,000 था, एक महीने के लिए 15 दिन के लिए 7,000 का भाव हुआ था। आज वर्तमान में 44,000 से लगाकर दबाया भाव बताया जा रहा है, फिर भी मीडिया के जरिए भी 50,000 होना चाहिए। आज की तारीख में 10,000 रुपये प्रति क्विंटल कपास जाना चाहिए, मगर नहीं लेते। ये तो बहुत बुरी हालत है। ये किसानों को हथियार उठाने पर मजबूर कर रहे हैं। ये अभी हमारे सामने है, यहाँ पर व्यापारी गांव में से कपास ला रहे हैं। अलका वो क्या करता है, वो जैसा बीन बजाते हैं और सांप सामने जाता है ना, ऐसे सीसीआई का अधिकारी बीन बजाते हुए जाकर, रिश्वत वाला है, उसके सामने जाकर बेच देता है। ऐसे माल लेकर आया, तीनों जगह का माल उनका पास करके और फर्जी तरीके से वो किसान यही पर लो। ये किसान आया था, ये कपास, इससे खटिया कपास इस सीसीआई ने खरीदा। ये 5 जिलों में ऐसे हमारे सभी सेंटरों पे जहाँ सीसीआई खरीदी कर रही है, वहाँ पे हमारे भारतीय किसान संघ के कार्यकर्ता बैठे हैं। सीसीआई की लापरवाही कहें या ज्यादती कहें या मनमानी कहें, उसको लेकर हर सेंटर पे आज भारतीय किसान संघ के कार्यकर्ता बैठे हैं। और हमने पहले ही बता दिया था, ये 7 दिन पहले चेतावनी दे दी थी कि भाई 21 तारीख को कि आप लोग हमारी बातों को नहीं मानेंगे तो हम लोग सभी केंद्रों पर घेराव करेंगे मंडियों में। बहुत सी समस्या है सीसीआई को लेकर, ये है कि 5825 का जो ऊपर का रेट है, एक रेट का, वो तो आज तक खरीदा ही नहीं। जो निमाड़ पूरे विश्व में प्रसिद्ध है कपास उत्पादन करने के लिए, लेकिन आज तक उनको वो ग्रेड का कपास ही नहीं मिला। दूसरी चीज़ ऐसी है कि मनमाने तरीके से कोई भी वाहन खरीदते हैं और बहुत से किसानों को छोड़ दिया जा रहा है। 40% खरीदी है, 60% छोड़ दिया जा रहा है। बीच में एक बार और हम लोग मिले थे तो उसमें कुछ LRA का और तीसरी श्रेणी का कपास खरीदना शुरू किया था, लेकिन उसके बाद भी मनमानी बहुत है। जैसे आज ये देखें कि आज अब सीसीआई, कल शनिवार है, आज इतने सारे वाहन आ गए और कल सीसीआई कह रही कि हम तो छुट्टी पे रखेंगे। अरे भाई, इतने किसानों को फिर किसके भरोसे छोड़ के जाओगे, जब सीसीआई ही अच्छे रेट दे रही है और किसानों की इच्छा है और किसानों के लिए ही सीसीआई का निर्माण किया है, तो सीसीआई सपोर्ट क्यों नहीं करेगी किसानों को? पेमेंट मंडी प्रशासन की लापरवाही की वजह से पेमेंट एक एक महीने तक 20-20 दिन तक किसानों को पेमेंट नहीं मिलता। आप चल के देख लीजिए, हमारे वनवासी भाई जो भी आते हैं वो कभी सीसीआई में देते ही नहीं, क्योंकि उनको मालूम है कि पेमेंट के लिए बहुत दौड़ना पड़ेगा। जबकि नकदी की व्यवस्था है, मंडी अधिनियम भी ये बोलता है कि किसान को 24 घंटे के अंदर पेमेंट होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे कोई पेमेंट की व्यवस्था नहीं है, इतनी लापरवाही है। और मन चाहे तब सेंटर से चले जाते हैं, मन चाहे तब आते हैं, तो ऐसी खरीदी कब तक चलेगी? क्या मांग किया आपने? हमने प्रमुख मांग तो यही है कि सभी किसानों का माल खरीदा जाए। होता यह है कि यहाँ किसानों की मंडी है लेकिन व्यापारियों का माल ज़्यादा तुल रहा है। सीसीआई अपने कोटे की पूर्ति तो कर रही है, इसलिए सभी किसानों का माल खरीदा जाए, समर्थन मूल्य पर खरीदा जाए। और जो कटोतरा होता है, कहीं वजन में काट लेते हैं, कहीं वहाँ जाके वांदा डाल के कि माल खराब निकल रहा है ऐसा करके, और उसमें फिर रेट कम करते हैं या छोड़ देते हैं, वो चीज़ें भी नहीं होना चाहिए। और समय पर उपस्थित रहें, कि ऐसे ही कि 8 दिन या 7 दिन अगर मंडी चलती है, 7 दिन खरीदी करें। तब पुतला रेन भी क्या आप? हाँ, पुतला रेन भी कर रहा है आप। अब प्रशासन नीचे देगा तो हमारे पास है और भी कई विकल्प हैं, अभी अन्य सेंटरों से बात चल रही है। क्या नाम है आपका? दिनेश पाणीदार। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।